शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो आज आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत दिखाई दे रही है, वो ये साबित कर रही है कि नफरत पे प्यार जीता है। जैसा कि भाजपा वालों ने बहुत कोशिश करी कि वहां हिंदू मुसलमान को बांटो और उसी के बेस पे अपना वोट बैंक बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वहां पर वहां की जनता ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, और उसी काम को देखते हुए जनता ने वहां भारी बहुमत से उन्हें फिर से चुना है और फिर से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि ये नफरत की राजनीति को फेल करते हुए प्यार की राजनीति जीती है जी। ऐसा होता है कि वो तुरंत तुरंत आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, तो प्रचंड बहुमत आया था, जनता ने उस समय भी देखा था कि अरविंद केजरीवाल जी की जो छवि थी, इस बार ठीक है सीटें कम आती हुई दिखाई दे रही है, अभी तो पूरा पूरा रुझान आया नहीं, लेकिन सीटें कम भी आती दिखाई दे रही, तो भी हम लोग बहुत खुश हैं इस बात के लिए कि दोबारा तिबारा हमारी सरकार बनने जा रही है, और ये वाकई में जनता के विश्वास की जीत है, जनता फिर से जीत रही है, और दोबारा हम लोग और अच्छा काम करके दिखाएंगे, फिर 70 भी आएगी। उस पर हमने कहा ना कि उन्होंने नफरत की राजनीति शुरू की, हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति शुरू की, शाहीन बाग, NRC, CAA ये सब मुद्दे लेकर के आए, लेकिन जनता को आज इन मुद्दों की जरूरत नहीं है। जनता को उनके बच्चों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जो बुनियादी सुविधाएं, वहां भ्रष्टाचार कम हुआ, घर घर आपको राशन मिल रहा है, घर पे आय जात निवास बन रहा है, वहां पर उन्होंने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई, और जो बजट उनका था कोई बगैर किसी घाटे के, बगैर किसी नुकसान के, बल्कि नफे में रहते हुए हमारी सरकार ने, पहले 30,000 करोड़ का बजट था, अब 60,000 करोड़ का बजट हुआ, तो नफे में रहते हुए हमारी सरकार ने जनता को ये सुविधाएं दी। तो वही हम कह रहे हैं बार बार कि वहां पर जो इन लोगों ने नफरत की राजनीति करनी शुरू की थी, एक परंपरागत राजनीति का एक वो बना हुआ, ढंग बना हुआ है कि बांटो और राज करो, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, ध्रुवीकरण का चुनाव करो और उस पर राज करो, तो वहां पर जनता ने उसको नकार दिया, और अब ये साफ जाहिर हो रहा है कि यही चीज पूरे देश में आने वाली है। इससे एक मिसाल पेश हो रही है कि पूरे देश के लोग अब इस बात को चाह रहे हैं कि पूरे देश में केजरीवाल जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री भी ऐसा होना चाहिए जो नफरत की राजनीति ना करे बल्कि प्यार की राजनीति करें।